मौसी, ओ मौसी, मौसी बाहर आओ। अरे रे रे, कलमू ही सुबह सुबह आई है, क्या बात है। अरे मौसी, मुझे कुछ बैगन और लौकी दे दो ना। क्यों री, कालू आज बाजार से कुछ नहीं लाया है क्या? अरे रे रे, वो तो निकम्मा है, मैं तो भूल ही गई थी, कहती क्यों नहीं है कुछ काम धंधा करने को। अरे मौसी, कहूंगी, अभी दे दो, क्योंकि अभी घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ठहर, दे रही हूँ। फिर एक लौकी तोड़ती है। ये ले लो मौसी पैसे। अरे रे रे, पैसे कहाँ से लेके आई है? अरे मेरे पास बचे हुए कुछ पैसे थे, मैंने कुछ लोगों के घर में काम किया था, वही पैसे जमा थे। अरे रे रे, क्या किस्मत है तेरी। हाँ बता, कालू कलमुहा घर में बैठा रहता है और तुझे काम करना पड़ता है, कितनी बुरी बात है, दोनों को काम करना चाहिए। अरे मौसी, जाने दो उन बातों को, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे क्या पैसे लूंगी, ले जा अपने पैसे, अब फ्री में ही ले जाइए। अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरे से क्या पैसे लूंगी, जा जा। एक बूढ़ा कबूतर जंगल में तड़प रहा था। अरे कोई मुझे पानी दे दो, कोई है क्या, मुझे पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, कोई है मुझे पानी दे दो। अरे आज कहाँ मिलेंगी लकड़ियाँ, देखो तो सही। हाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ घर के जलावन में भी काम आएंगी और बेचना भी है। अरे ये कौन है, कोई जंगली पक्षी तो नहीं है, मुझे मार तो नहीं देगा, पास जाकर देखती हूँ। अरे पानी दे दो मुझे, कोई पानी दे दो। अरे ये तो कबूतर है, कहाँ से पानी दूँ इसे, देखती हूँ, पास में एक शायद झील है। अरे कहाँ है वो झील, देखूँ तो सही। अरे ये रही झील। अरे रे रे, लेकिन पानी कैसे ले जाऊं? अरे एक मटका भी है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, इसी मटके से ले जाऊंगी। अरे रे रे, ये बूढ़े कबूतर का तो हाल बहुत बुरा है, लो भाई ये लो पानी, अब पियो पियो। अरे जान बच गई मेरी, इस जंगल में तुम पानी नहीं देती तो न जाने क्या होता। अरे रे रे बुढ़े, यहाँ इस जंगल में क्यों आया था तू? अरे तुम ऐसे क्यों बात करती हो? अरे रे रे, मेरी बातों पर मत जाना, मैं तो यूं ही जली कटी ही बोलती हूँ अब बचपन से। अच्छा अब बचपन की हो गई हो, अभी भी बचपना गया नहीं है। अरे रे रे बुढ़े, पानी पिया ना, अब बता क्या हुआ, इस जंगल में कैसे आ गया था? अरे मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, अचानक से बहुत प्यास लग गई और मैं इस पेड़ के नीचे तड़पने लगा। और तुम यहाँ क्या करती हो? अरे रे मेरा तो काम ही है, मैं आती हूँ जंगल में, लकड़ियाँ चुनती हूँ और उन लकड़ियों को घर ले जाती हूँ, कुछ जलावन के काम आता है और कुछ लकड़ियों को बेच देती हूँ, बस मेरा तो यही काम है, यही मेरा काम है और कुछ नहीं। अच्छा चलता हूँ फिर मैं। हाँ मैं भी चलती हूँ, दो चार लकड़ियाँ मैंने भी इकट्ठा कर ली है, आज का काम मेरा भी पूरा हो गया है। अरे अब तो खाना भी बनाना होगा, काफी देर हो गई है।
मौसी, ओ मौसी, मौसी बाहर आओ। अरे रे रे, कलमू ही सुबह सुबह आई है, क्या बात है। अरे मौसी, मुझे कुछ बैगन और लौकी दे दो ना। क्यों री, कालू आज बाजार से कुछ नहीं लाया है क्या। अरे रे रे, वो तो निकम्मा है, मैं तो भूल ही गई थी, कहती क्यों नहीं है कुछ काम धंधा करने को। अरे मौसी कहूंगी, अभी दे दो, क्योंकि अभी घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ठहर, दे रही हूँ। ये लो मौसी पैसे। अरे रे रे, पैसे कहाँ से लेके आई है। अरे मेरे पास बचे हुए कुछ पैसे थे, मैंने कुछ लोगों के घर में काम किया था, वही पैसे जमा थे। अरे रे रे, क्या किस्मत है तेरी। हाँ बता, कालू कलमुहा घर में बैठा रहता है और तुझे काम करना पड़ता है, कितनी बुरी बात है, दोनों को काम करना चाहिए। अरे मौसी जाने दो उन बातों को, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे क्या पैसे लूंगी, ले जा अपने पैसे, अब फ्री में ही ले जाइए। अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरे से क्या पैसे लूंगी, जा जा। बस ये खुमड़े का लत बड़ा हो जाए, बस बड़े बड़े खुमड़े होंगे, आ उन्हें बेचूंगी भी और खाऊंगी भी, अच्छा मुनाफा होगा। अरे ये क्या, बारिश होने लगी। अच्छा चलो, एक दो घंटे में बारिश छूट जाएगी। अरे ये तो रात होने लगी, ये बारिश रुक क्यों नहीं रही है। अरे रुक जा बारिश, ऐसे तो मेरे सब्जियों के पौधे टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा मेरा। देखो मेरे सारे पौधे बर्बाद हो गए। अरे ये क्या हो गया, ऊपर वाले तुझे इस बुढ़िया पर दया नहीं आती, इस बुढ़ापे में मैं इतनी मेहनत करती हूँ अभी भी, फिर भी तुमने मेरा सब बिगाड़ दिया। अब बताओ क्या खाऊंगी, सब्जियाँ भी नहीं और लकड़ियाँ भी भींगी, कौन खरीदेगा लकड़ियाँ। ऊपर वाला तूने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। अरे बुढ़े, तू यहाँ कैसे आया। अरे बुढ़िया, मैं तेरे लिए एक खास बीज लाया हूँ। कहाँ से बीज लेके आया है, देख रहा है तहस नहस हो गया है। हाँ मैं तुझे दिख नहीं रही हूँ। अरे बुढ़िया रो मत, ये लो मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया बीज लाया हूँ, इस बीज से टमाटर उगेंगे, एक ही टमाटर उगेगा एक पौधे में, और वो सोने का टमाटर होगा, तुम उसे बेचोगी तो अच्छा मुनाफा कमाओगी। अरे रे रे, लगता है तेरे सर पर किसी ने डंडा मारा है, हैं कैसी कैसी बातें कर रहा है, सोने के टमाटर। तू बुढ़ी बुढ़ी रहेगी, ये ले बीज, तूने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने तुझे ये कीमती बीज दे दिया, मेरा काम खत्म, मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे अब जो कह के गया है लगा ही देती हूँ, कुछ होगेगा तो ठीक है, नहीं होगेगा तो भी ठीक है।
अरे वो बुढ़ा तो ठीक ही कह रहा था, ये तो सोने का टमाटर ही है। हाँ, इसे तोड़ती हूँ, जाती हूँ सुनार के पास और बेच आती हूँ। अरे क्या बात है मीनू मौसी, आज हमारे यहाँ कुछ खरीदना है क्या? अरे नहीं नहीं कमीने, मुझे बस बेचना है। तुझे नहीं पता मेरी हालत है? मेरी हालत कुछ खरीदने लायक है क्या? ये लो, ये बेचने आई हूँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत कीमती है। ये टमाटर के आकार का सोना, लगता है तुम्हारे घर में किसी खानदानी ने रखा है। हाँ हाँ, राजे रजवाड़े थे मेरे खानदान में। चलिए ले और मुझे पैसे दे दे। अरे रे, बड़े दिन हो गए थे मछली नहीं खाया, आज तो मैं रोहू मछली खाऊंगी। अरे मीनू मौसी, क्या लोगी? अरे रे, एकदम गधा का गधा रहेगा। हैं, मछली की दुकान किया है तो क्या लूंगी, तुझे तो नहीं खरीदूंगी, मछली ही खरीदूंगी। तो मुझे 2 केजी मछली। अरे हाँ हाँ मौसी, ये लो। कितने हो गए? 1000 रुपए हुए मौसी। ये ले 1000 रुपए। अरे वाह मौसी, तुम तो अच्छे खासे नोट निकाल रही हो। अरे चुप कर, ले इसे। मौसी, ओ मौसी। अरे कौन है? बिजली? हाँ मौसी, थोड़ा सब्जियाँ दे देती मुझे। हाँ हाँ आओ ना, देती हूँ। अरे मौसी ये क्या है? अरे तू तो अपनी बच्ची है, तुझसे क्या छिपाना। देख मैं आज इस टमाटर को छिपाना भूल गई। ये सोने का टमाटर है, एक बूढ़े कबूतर ने दिया था इसका बीज और कहा था सोना का टमाटर होगा। देख सोने का ही टमाटर है। अरे वाह मौसी, तुम तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगी। हाँ हाँ हो तो जाऊंगी, ऐसा तो लगता ही है। ये ले तेरी सब्जियाँ। अरे नहीं चाहिए पैसे, जा जा। अरे बिजली, ले आई सब्जियाँ? अजी आज ना मीनू मौसी के घर गई थी, वहाँ मीनू मौसी के घर में एक टमाटर का पौधा है, उस पौधे में सोने के टमाटर हो रहे थे। अरे क्या कह रही हो बिजली, अगर ऐसा कुछ है तो वो तो हमारे पास होना चाहिए। अरे हमारे पास मतलब? अरे चोरी करके ले आएंगे, उस बुढ़िया के पास रह के क्या होगा। अरे वाह वाह, देखो ये सोने का टमाटर चमक रहा है, ये तो हमारे पास होना चाहिए। अरे रे, बचाओ बचाओ। अरे तुम्हारे चक्कर में, देखो क्या हो रहा है। अरे बचाओ, कोई है बचाओ। अरे कलमुहा कलमुई, तू दोनों रात को क्या करने आई है? अच्छा मेरे टमाटर के पौधे चुराने आई है। अरे मौसी माफ कर दो मौसी, लालच ने घर कर लिया था। अरे कलमुही, तेरी तो मैं रोज मदद करती थी, तू भी चोरी करने लगी। अरे मौसी मेरी मत मारी गई थी जो इनकी बातों में आ गई, ये कलमुहा तो है ही ऐसा। अरे मौसी मर जाऊंगा मैं, बचा लो मौसी। अरे टमाटर के पौधे छोड़ दो भाई, ये अपने गांव के ही हैं, इन्हें कुछ मत करो। ते
देखो क्या जमाना आ गया है, भला करो और बुरा हो जाता है। अब पीनू मौसी के टमाटर चुराने की कोई भी गलती नहीं करता था। पीनू मौसी के पास अब बहुत बड़ा घर हो चुका था और वो पहले से बहुत सुखी रहने लगी थी। गांव वालों की वो मदद भी करती थी।